Hey guys, welcome to another vlog. और अभी मैं जा रहा हूँ अपने, जैसा कि मतलब ये vlog है कि मेरा जो दोस्त है, बहुत ही पुराना दोस्त है, जिगरी, वन ऑफ जिगरी, तो वो जा रहा है, आउट ऑफ इंडिया जा रहा है. तो वो अपनी फैमिली, मतलब उसको ड्रॉप नहीं करने जा रहे, उससे मिलने जा रहे हैं एयरपोर्ट पे. वहाँ से उसको सी ऑफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, उसको वहाँ से बाय बाय बोलने जा रहे हैं. तो मैं अभी वेट कर रहा हूँ, अपने दो दोस्त रहेंगे मेरे, जो कि हम चारों ही आपस में दोस्त हैं, तो दो दोस्त रहेंगे उनके साथ. मैं फिर हम लोग जाएंगे एयरपोर्ट, वो ऑलरेडी निकल चुका है अपनी फैमिली के साथ में, और हम लोग फिर जाएंगे साथ में. तो अभी 5:44 हो रहे हैं यार, उसकी 10 बजे की फ़्लाइट है, 3 घंटे पहले जाना रहेगा उसको 7 बजे. तो हमारे पास 1 घंटा है, 1 घंटे में पता नहीं पहुँच पाएंगे नहीं, मुझे तो लग रहा है कहीं यार मिस ना हो जाए. तो देखते हैं अभी भाई क्या, कितना टाइम लगता है पहुँचने में. अभी मैं उनका ही वेट कर रहा हूँ कि वो कितनी देर में आएंगे. तो मैंने थोड़ा पीछे उसके घर के थोड़ा सा पीछे रोकी है वहाँ पे, जैसे उसका कॉल आया तो मैं उसको पिक करने जाऊँगा. और हाँ यार, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना. अभी जो इंस्टाग्राम का हैंडल आपको दिख रहा है, इस हैंडल पे जाओ, वहाँ पे मैंने एक वीडियो पोस्ट करी है, उसी पाकिस्तान के लिए मैंने कुछ बोला है. तो वो जाके उस वीडियो को लाइक करो इंस्टाग्राम पे, और उस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो, और सबके साथ शेयर करो, सबको भेज दो, बस कर दो यार. ये तो वो आप देख ही लेना, आपको खुद ही मन करेगा कि हाँ सही बोला है मैंने, बहुत सही बोला मैंने. और अभी रेड लाइट पे रुके हुए. आज तो दिल्ली भी नुगहरी है, बढ़िया काम होगा. बारिश आने लग गई कि जा रहा है आफत, निकल रही है आफत, बढ़िया काम हो गया बिल्कुल. धरती बहुत जा रहा है इंडिया में, धरती इंडिया से बहुत हट रहा है. ये कह रहा है मैं सबसे ज्यादा रहूंगा, मेरा जिगरी जा रहा है. ये कह रहा है ये पार्टनर, थोड़ा यार ट्रैफिक हैवी हो रहा है. वो कह रहा है मैं 7 बजे अंदर घुस जाऊंगा, तुम आओ आओ, ठीक है क्या, रास्ते से मैं चला जाऊंगा, तुम बाहर में जाओ, तुम्हारी दोस्ती कच्ची है. हम कह रहे भाई निकले, अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा आने में, बस ठीक है. अब सीधा उधर ही मिले वो खचरे से, वो खचरे से उधर ही मिले सीधा डायरेक्ट. तुम्हें दिखाते हैं वो. वैसे एक बात है यार, वो हैगी इंडिया से एक रिचेस्ट टीन खत्म हो जाएगा. हाँ, उसका वो फिर ऑस्ट्रेलियन उसमें काउंट होगा. हाँ, ऑस्ट्रेलिया रिचेस्ट किड, रिचेस्ट एस्ट्रिक विद द एस्ट्रिक साइन, रिचेस्ट किड. तो भाई पहुंच गए हम लोग यहाँ पे, अभी उसको ढूंढ रहे हैं कहाँ है वो हमारा वाला, लेकिन पता नहीं कहाँ है. मैं सोचा भगते हुआ रहा है यही अपने वाला, लेकिन नहीं है. चलो चलो भाई, पता नहीं कहाँ है. एयरपोर्ट तो आ गया, लेकिन सही नहीं पता अब गेट नंबर नहीं मिल रहा यार उसको. यार कैसा था यार ये, इतनी देर से घूमे जा रहे हैं, लेकिन उसको गेट नंबर नहीं पता. फाइनली हमने उसके घर वाले मतलब अंकल आंटी को देख लिया, ढूंढ लिया, उसके बाद उनके पास आए, खड़े हो गए भाई आ जा तू. कह रहा बड़ा बड़ा टीचरी लिखा वहाँ, यार टीचरी लिखा मैं साले गेट नंबर 3 पे बोल रहा जब से. ले आ रहे भाई, आ गए बड़ा, आ गए आ गए भाई. अब नू बता तू जा कहाँ रहा है पहले, तो नू क्या ऑस्ट्रेलिया बोले पाकिस्तान जा रहा है भाई. अभी इससे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये जा रहा भाई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है. ये चल रहा, ये कूली का काम कर रहा, रेडी धक्का मार रहा है. मेरा थोड़ी ना है, तेरा मेरा सामान छोड़ के आ रहा है ये भाई. यार जा लिया लड़का हमारा, चला गया ब्रो. अब तो बस अब दिसंबर में आएगा सीधा, दिसंबर में आएगा सीधा. चलो भाई, दिसंबर सेफ जर्नी भाई. चलो कोई बात नहीं, बड़वा है यार. ऐसे कभी कभी मिले गए थे, मैं तो कभी. ये भाई जिगरी था, आराम से जाइयो भाई. ये जिगरी था यार अपना, बोला जिगरी अपना जिगर में आ रहा में से अपना गोरा जोंदा अपना गोरा जोंदा. कोई बात नहीं यार, अब जा रहा है पढ़ने के लिए आ रहा है. सब में मोटी बात तो ये है साला, सब में बड़ी बात है पढ़ने के लिए यार. आज जिन्ने आज तक कभी पढ़ा ही नहीं, 12वीं में 64% लेके आया यार. अब विदेश जा लिया देख यार, सही है. कोई बात नहीं भाई, अभी इसको मिस करेंगे साले कमीने इंसान को. ट्रैफिक हो रहा है, बोला उसको सी ऑफ करके वापस घर की तरफ सीधा. अभी कुछ खाएंगे फिर जाएंगे घर यार. ये सबसे ज्यादा दुखी ये वाला लड़का, बंदा दुखी है ये, गम में जा चुका है इस टाइम बंदा. बोला यार वो तो मतलब बहुत टाइम से बोल रहा था यार, ऐसे ही बोल रहा है, बकवास कर रहा है, मजाक कर रहा है, मजाक मजाक में 2 साल बाद चला गया. साले मरा लिया है सदमे में, तो ऐसा है जब मर मरा लिया. इज गॉन बेटे, मैं इसको गाली मत, सब लोग पन्नी इतनी तो चार ताल. इज गॉन सर, ही हैज गॉन अवे फॉर सम टाइम, हां फॉर अ व्हाइल. अब जाएगा इसका दिसंबर में आएगा, दिसंबर में आएगा. लेकिन अब ना एक बात है भाई, हमें पता ये होता है कि एक बार जो बंदा बाहर चला जाता है वो सेटल बैटल होता है, वहीं रहने लग जाता है. वो तो है, वापस इंडिया नहीं आता यार. ऐसे कैसे नहीं आया भाई यार, ट्रैफिक ने ना फाड़ के रख दिया यार बिल्कुल. इतनी देर से एक ही जगह पे खड़े हुए हैं बिल्कुल यार, पता नहीं भूख लग रही है यार. आज तो पार्टी भी दे रहा लौंडा, दुख दुख में बोल रहा है यार तू मेरे सारे पैसे ले ले, तू ले ले जमीन जायदाद. बोला वो लड़का चला गया, जमीन जायदाद सब ले जाओ बस तुम भाई. अभी देखो बैठे बैठे हम सिस्टम बना रहे थे कि भाई जब
एक बात थी कि भाई वो होता था ना तो उसके चक्कर में हम लोग सारे मिल जाते थे. अब क्या वो चला गया, वो क्या वो घूम सावत दिन घूमा था यार वो सावत दिन. काम नहीं था अगले के पास क्या कर रहा है अब हाँ. अब मिला है काम, अब तो चला गया सीधा बाहर क्या कर रहा है. अब हम सारे एक जगह मिलते थे दिलशाद गार्डन. हाँ. अब दिलशाद गार्डन कोई हम जाएंगे नहीं, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं. अब वो इधर से आता तो मैं रोज ले आते थे, उधर से सुनील आता था, वरुण सब आते थे. अब वो नहीं आया तो फिर कोई जाएगा नहीं. अब तो एक दिन बनाएंगे कि सारे दिन मिलेंगे, ऐसा नहीं कि भाई अब बैठ के पूल खेले घर के. ये पूलर पूलर को क्या खेले वाले क्या बोले, पूल खेले वाले क्या बोलते बताइयो. साले डैन बिल्जेरियन के. अच्छा चल सही है. पूलर मैंने बना दी पूलर. पूल गला जिसमें दम हो ना इससे बेटर लगा. शालीमार गार्डन में रहता है डिपो पे. डिपो सीमापुरी. सीमापुरी डिपो खतरा है साला. यहाँ पे इंडिया गेट आए हैं तो इंडिया गेट पे इसलिए रुके हैं हम लोग क्योंकि अभी ये बोला कुछ थोड़ा सा खा भी लेंगे यहाँ पे कुछ. वैसे तो आप देख सकते हैं पीछे इंडिया गेट कितना सही लग रहा है यार. रात को लाइट जला देते ना तो बड़ा सही लगता है. दिन में ऐसे देखते ना तो नॉर्मल लगता है लेकिन रात को बढ़िया लगता है बहुत ज्यादा सही. इस इंडिया गेट में भी उन शहीदों के नाम लिखे हैं जो वो जो ना पाकिस्तान हुई थी एक हमारी वो जो 47 में जो हुई थी 47 जो भी मतलब अपनी लड़ाई हाँ जो हुई थी ना वो वॉर हुई थी. हाँ शहीद हुए थे ना सैनिक इन सबके नाम लिखा पूरे ऊपर वो सब पे नीचे तक लिखे हुए भाई. अच्छा सब पे. अच्छा उस पर पूरा नाम सब जितने देखा पास में से. हाँ जितने सब शहीद हुए थे ना सबके नाम लिखे हुए ए टू जेड. मुझे नहीं पता ये बात, मुझे पता नहीं थी. अब यार यहाँ पे इतनी वैसे नॉर्मल यार इतनी भीड़ होती नहीं है ना अभी लगी हुई है क्योंकि कुछ शायद कुछ बना है मेरे को लग रहा है. भी तो नहीं वैसे देखते हैं ना नॉर्मली आके यहाँ से निकलते हैं एयरपोर्ट बहुत बार जाना होता है तो यहाँ से निकलते हैं तो इतनी भीड़ देखी नहीं मैंने आज. आज कुछ ज़्यादा ही लग रही है पता नहीं क्यों यार. यार देखता सही लग रहा है मज़ा सा यार ऐसे देख के. रात को लाइट में ही देखने का मज़ा है वैसे दिन में तो देखने का बढ़िया लगता यार. पार्क है यार वो उस वाली साइड शायद कुछ बना है यार पता नहीं किसी से पूछना पड़ेगा यार अभी कुछ बनाया है यहाँ पे. लेकिन ये देखो यार इंडिया गेट बहुत सुंदर है बहुत सुंदर है रात को स्पेशल. ये भाई खफा हो गया. इसने क्या करा, इसने आंटी के फोन से चैनल सब्सक्राइब कर दिया और बोला इस पे ना मेरी वीडियो आएगी, इस वीडियो में मैं आऊंगा. जो एक बार संडे को हम लोग गए थे लेकिन वो वाला व्लॉग बढ़िया नहीं बना था, बहुत बेकार बना था तो वो मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं, उसको छोड़ दिया. भाई ये कह रहा है अभी गाना गा रहा है क्या मैं इतना बुरा हूँ मेरी माँ, वो वाला गाना गा रहा है. दिलशाद गार्डन में एक याद ऐसी ये की जगह जो इसका स्टैंडर्ड बढ़ाती है ये दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन. अरे यहाँ पे सामान बढ़ाती है यार क्या एक बर्गर की बर्गर की खाना तो ये छोटा लगता है. दिल्ली देख के हम दिल्ली में रहते हैं तो पूरी दिल्ली नहीं घूमेंगे भाई. हां भाई कोई घूम नहीं सकता यार पूरा बिल्कुल खाली इंसान है ना वो भी नहीं कहने की बात है. आम सिटी ऐसी है भाई जो टूरिज्म करता है ना उनसे पूछो और आके देखो दिल्ली है फटके जा रहे हैं भाई घूमने घूमने में. तो भाई अभी जल्द अभी यार बर्गर किंग जाएंगे उस बर्गर किंग चल रहे हैं बर्गर किंग जा रहे हैं. मैं सोचा मैक भी जाएंगे बर्गर किंग जाएंगे लेकिन अभी मेट्रो खाली पड़े बिल्कुल सन्नाटा. कैसे देख रहा हो अभी ये पीछे ये बलगर किंग बलगर किंग बलगर बलगम किले टेकिंग एंट्री. अब यार यहाँ से खा के और फिर ये अपना मेट्रो में निकल जाएगा. और ये हाथी चाय पीऊंगा मैं तो पहले चाय लेफ्ट नियर बाय. और ये हाथी मेरे ख्याल जा ये मेरे उधर ही रहता है ये बड़वा. बस कार्ड दे गया आजकल ये कार्ड वाले बंदे कैशलेस डिजिटल मनी ब्रो. ये जा रहा है यहाँ से मेट्रो से अपने घर. नहीं मेट्रो से घर तो मैं अभी तू निकल जाएगा ना तो मैं छोड़ी तो अभी थोड़ा देर बात करती है टाइम होगा टाइम निकल जाएगा जो भी है. तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं तो भाई ये वीडियो बस यहीं खत्म कर रहा हूँ क्योंकि भाई बस यही था कि वो जा रहा ना उसके याद में बस एक वीडियो बनाने की भाई याद रहे. हाँ वो जा रहा है इस वक्त वीडियो देखकर भाई प्यारा कर भाई बहुत ज़्यादा सोचा ना कि जो तो आए थे चले ऐसा बात नहीं भाई तू यहाँ एट द एंड ऑफ द डे वी नो विल मिस यू एंड वी नो वी विल मिस यू ब्रो. या तो भाई ये बस यही है बस वीडियो में भाई इसको यही खत्म कर रहा हूँ. अगर वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक कर देना, अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना. इसके लिए बनाई गई हाँ ये तेरे लिए बनाई है साले कुत्ते कमीने इंसान तेरे लिए बनाई है. ये वीडियो देखेगा मतलब याद कर ये ऐसे कि भाई हमें याद रखे भाई ये इसको छोड़ के आए थे हम लोग छोड़ के आया था. जब तू आएगा तो तेरे टर्मिनल पे आके तुझे ले जाएंगे तब भी बोलोगे. हाँ बिल्कुल बने बिल्कुल तब तक तो ये नेक्स्ट लेवल पहुंच चुका होगा तेरा तब तक तो दुनिया जानेगी तुझे साले. सो गाइस बाय बाय मिलते हैं अगली वीडियो में. और अब तो भाई अब वो रिचेस्ट की जगह रिचेस्ट को हटा के अभी आएगा यहाँ पे अब व्लॉग में ही आएगा ये लौंडा ये लौंडा. सो गाइस बाय बाय अगली में मिलेंगे भाई अब. और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में. बाय.